हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। चलो देखो, बीबीएस सेमेस्टर वन के लिए आ गया हूँ मैं आपके सामने लाइव। ओके, तो दोस्तों आप लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 17 नवंबर का, तो 17 नवंबर मैं आपके सामने फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को लेके आ गया हूँ, राइट सर। तो अभी हम थोड़ा सा जो पढ़ेंगे ना, बड़ा आराम से, बड़ा प्यार से, और हर चीज को एकदम धीरे धीरे से और अच्छे से सीखने की हम कोशिश करेंगे। जैसे मेरा मोटो है बस आपका फायदा हो, मेरा मोटो है कि आपका स्कोर हो, और मेरा मोटो है कि आप लोग अच्छे से सीखे और अच्छे से चीजों को समझे। तो शुरू करें बच्चा पार्टी, चलो चलते हैं एफबीएम की ओर। तो देखो बच्चा लोग, अब हम लोग देखते हैं एफबीएम। आपकी स्क्रीन भी आप देख सकते हो कि मैंने नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिया। और आपको मजे की बात बताता हूं, ये नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसलिए आपको चाहिए है ना। तो चाहिए तो आपको क्या करना है बेटा, स्टडी वॉलेट करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, वो नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, स्टडी वॉलेट। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखी है, तो उस लिंक पे आप जाइए, स्टडी वॉलेट, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइन बाय दी राजेश सर और हमारे बच्चों के लिए, और आपने अपने बच्चों के लिए, इससे तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बीबीए के सारे मटेरियल और कंटेंट मिल जाएंगे, और धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के कुछ सैम्पल पेपर भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो जस्ट वेट, लेट मत करिए, फटाफट अभी डाउनलोड कर लीजिए, इससे। सो दोस्तों, पहले जिस चीज के लिए आए थे वो चीज शुरू कर लेते हैं, बाद में हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, इज दिस क्लियर। चलो बच्चा पार्टी, देखो अभी हमारे सामने नोट्स है, और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारे सिलेबस का, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, इज दिस क्लियर सर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि हम सीखने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, इज दिस क्लियर। चलो दोस्तों, अब होता क्या है बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिख कर ले लो, आप पास हो गए, लिख कर ले लो, आपका स्कोर हो गया है, इज दिस क्लियर, जस्ट बिलीव मी। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट। किसको डिफाइन करना है बेटा, अपने को, मैनेजमेंट को। और बोल रहा है, और द मेरिट, मेरिट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता ना कि सिर्फ मैनेजमेंट क्या होता है बताओ, वो आपको डेफिनेटली पूछेगा बेटा बताइए एडवांटेजेस क्या है, बताइए डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखते भाई मैनेजमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट है, ये अपनी आपकी अपनी क्लास है, तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई डाउट आया तो क्वेश्चन जरूर पूछना है, कमेंट में लिख देना है, इसलिए शुरू करते दोस्तों कि मैनेजमेंट क्या होता है, राइट सर। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे उसने लिखा है मैनेजमेंट मतलब कि 6M का कलेक्शन, 7M का कलेक्शन, सॉरी 7M का कलेक्शन, मतलब कि 7M को मिला दो तो कंपनी का मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये जो 7M बोल रहे हैं ना, उसके पहले मैं अपने साइड से कुछ अपने तरीके से बता देता हूँ आपको मैनेजमेंट हम किस चीज का करते हैं, राइट सर। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लेते कंपनी है, ये दोस्तों हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो समझ लेना वो ऑर्गेनाइजेशन सुपर डुपर हीट है, ओके। मैंने क्या बोला दोस्तों, समझा आपको, सुपर डुपर हीट है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजमेंट है। तो किस बात का होता है मैनेजमेंट, है ना। तो देखो सर, जैसे कि सेल्स को बढ़ाना है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना मुनाफा ज़्यादा होगा, उतना धंधा ज़्यादा होगा, उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेबर को मैनेज करोगे तो प्रोडक्शन अच्छा बनेगा, सर्विस अच्छी डिलीवर कर पाएंगे, और लेबर में हमारे खर्चे कंट्रोल हो पाएंगे, तो जिससे अपनी कंपनी को मुनाफा हो जाएगा, राइट सर। अगर आप प्रोडक्शन के लिए अच्छे से मैनेजमेंट करोगे, यानी कि चीज़ों को आप कम कीमत में बनाकर अच्छी पैकिंग करके अगर उसको आप सेल करोगे या बेचोगे, या प्रोडक्शन कम दाम में बनाओगे, तो आपको मुनाफा होगा, मतलब आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। दोस्तों एक होता है स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि स्टोर को भी हम, मतलब कि गोडाउन में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो स्टोर जब करते हैं चीज़ों को, तो इसका मतलब गोडाउन के अंदर जो माल है उसको सही तरीके से अपने को मेंटेन करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, कि कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, कितने देर तक संभाल के रखना चाहिए, और कब उसको निकाल देना चाहिए। तो ये दोस्तों एक मैनेजमेंट होता है।
दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैं अपने साइड से बता रहा हूँ, अपने तरीके से बता रहा हूँ। किताब तो आपके सामने है, पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, डोंट वरी, हम पॉइंट में भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू, एक प्रैक्टिकली समझते हैं, सीखते हैं कि मैनेजमेंट कंपनी में किन बातों को लेकर होता है और किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों एक और बड़ी प्यारी चीज़ है यार, बिना फाइनेंस के कोई कंपनी चलती है क्या? बोलो, नहीं चलती ना। तो मतलब फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि खर्चे कहाँ ज़्यादा हो रहे भाई, देख लो भाई, इनकम कहाँ से आ रही है उसको पकड़ लो, तो ही तो बिजनेस है, तो ही तो हम सही तरीके से बिजनेस कर पाएंगे और अपना बिजनेस का मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए फिर से एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा, फाइनेंस, बैलेंस, यू नो, मतलब कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, बचाना कितना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स ज़्यादा आएगा, ये सारी बातें अपने को फाइनेंस में भी बेटा सोचनी होती है। एक और बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपको कोई बताए ना बताए, लेकिन आपके राजेश सर आपको जरूर बताएंगे। इसलिए बेटा एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो तो देख लीजिएगा, अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है तो बेटा माफ़ करिएगा, ठीक है? फिर भी आपके सर आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप उतना एडजस्ट तो कर ही सकते हो। तो बोलो बेटा क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल मैनेजमेंट होता है। बोले क्या चीज़ होती है सर ये? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों की जब प्रोडक्ट बनते हैं ना, उनकी अपनी क्वालिटी होती है, यानी कि मटेरियल क्वालिटी होती है, उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, उसका कलर क्वालिटी होता है, उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उस तरीके से वो लोग उसको अरेंज करते हैं। और जितनी इफेक्टिव क्वालिटी आप मेंटेन करते हो उतना आपका बिजनेस ग्रो करता है। अगर आपका कोई बिजनेस है ना तो आप इसमें फॉलो करिएगा क्वालिटी कंट्रोल। व्हेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ब्यूटीफुल, सो देन डेफिनेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ सेल। जैसे कि आज हमारा लेक्चर, आई विल ट्राई टू गिव द लॉट ऑफ क्वालिटी टू यू सो दैट कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी ज्वाइन करें। तो दोस्तों क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसकी तरफ भी अपने को ख्याल रखना होता है, है ना? तो और कंपनी के अंदर इसके अलावा भी कोई मैनेजमेंट होता है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स को मैंने लिख दिया, तो सेल्स का दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे बेटा इसको? मार्केटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। इसलिए नाउ तो ये जितने मैंने कंपोनेंट लिखे, अगर कोई छूट गया, एक छूट गया है मैं वो भी बता देता हूँ, तो फिर हम लोग को सीखने में आसानी हो जाएगी। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कभी सुना आपने ये नाम? कभी सुना बेटा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट? मैं आपको सिखाता हूँ, ये स्टोर मैनेजमेंट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। स्टोर मैनेजमेंट अलग चीज़ हो गई, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अलग चीज़ हो गई। लॉजिस्टिक क्या होता है बेटा आपको बता दूँ मैं आपको, मान लो आपके एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका कंपनी का मतलब फैक्ट्री है, यहाँ प्रोडक्शन आप कर रहे हो और ये कंपनी आपके ये ऑफिस है आपका, इज दिस क्लियर सर? लेकिन आप इस ऑफिस से यहाँ पे बना के, इस ऑफिस से आप माल गुजरात में बेचना चाहते हो, आप माल पंजाब में बेचना चाहते हो, आप माल बेटा साउथ में बेचना चाहते हो, तमिलनाडु में बेचना चाहते हो, तो बेटा क्या करेंगे आप लोग? अपनी माल को आप क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। किसके थ्रू बेटा? व्हीकल के थ्रू। माफ़ करना, ये गाड़ी थोड़ी सी मेरी नीचे की ओर झुक गई है क्योंकि इस पर स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो आप इस स्टॉक को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? तो डीलर को अपॉइंट करते हैं, फिर गोडाउन मतलब हायर करते हैं, वहाँ स्टॉक करते हैं। आप पंजाब में सप्लाई करना, भैया पंजाब एक छोटा सा गांव थोड़ी है, पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसके अंदर में अलग अलग शहर है, तो उसको पंजाब में डिलीवर करना है तो आपका एक मेन गोडाउन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप अपना सारा स्टॉक डिलीवर करोगे, गोडाउन में आएगा, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करोगे और पंजाब के लोगों को आप अपना स्टॉक पहुँचा पाओगे। यानी कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का रोल क्या होता है? तो आप अपना स्टॉक फैक्ट्री से लेकर, कहाँ से बेटा? फैक्ट्री से लेकर कहाँ तक पहुँचाना है बेटा आपको? मार्केट तक पहुँचाना है। तो दिस इज व्हाट ये काम कौन करेगा? आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेगा, जिसको मैं अपनी भाषा में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आई होप मेरी बच्चा पार्टी अच्छे से सीख रही है और इनको सारी चीज़ें समझ रही है। तो ये जितने भी मैंने कंपोनेंट आपके सामने बोर्ड पर लिखे, जितने भी कंपोनेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे, तो बेटा यही चीज है जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। चलो अब थोड़ी देर में चलते हैं, तुम्हारी किताब क्या बोलती है जरा उसके तरफ एक नजर घुमा देते हैं दोस्तों। चलो तो देखो बच्चा पार्टी, अब आगे हम लोग स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन के ऊपर, मेरा एग्जांपल समझ गया होगा आप लोगों को, है ना? उसी बात को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट्स है पूरे चैप्टर के। इसलिए नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा आपको। बताएं आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलती है? आपकी यूनिवर्सिटी बोलती है बेटा आंसर लिखो और पॉइंट्स में लिखो। क्या में लिखो? पॉइंट्स में। और वैसे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो,
इट्स नॉट ओनली कंसर्न विद द आरटीएम यूनिवर्सिटी, दिस टॉपिक इज टॉपिक एंड इट इज एवरीवेयर एंड दिस इज अ यूनिवर्सल टॉपिक. इट इज अप्लीकेबल इन इंडिया, इट इज अप्लीकेबल एवरी मतलब आई कैन से दैट इन द एंटायर वर्ल्ड, एवरीवेयर इट इज अप्लीकेबल. ओके, पूरे दुनिया में अप्लीकेबल है. सर ये तो मैनेजमेंट है, तो हर कोई सीख रहा है. ठीक है, तो बेटा आंसर पॉइंट में लिखना, बस ये बोलना था मुझे. आंसर किस में लिखना? पॉइंट. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं. भाई मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है. अरे बाबा एक्सप्लेन क्यों नहीं करना है? बिना एक्सप्लेनेशन के तुझे मार्क कैसे मिलेंगे? इसलिए बेटा तो जब भी आप पॉइंट पुट करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना मत भूलना. ओके, तो कितना पॉइंट, कितना लाइन, बेसिकली कोई भी पॉइंट आता है तो उसको बेटा चार चार, तीन तीन, चार चार, पांच पांच लाइन अगर लिखते हैं आप तो थोड़ा सा क्या है, कंसिडरेबल होता है आपका आंसर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा दोगे उतना ज़्यादा स्कोर होगा. चलो शुरू करते हैं. तो क्या ये सर पॉइंट लर्न होने चाहिए? देखिए 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 देखिए, अब आप कुछ लोग पूछेंगे मुझे, क्या सर ये पॉइंट्स लर्न होने चाहिए? तो कर लो ना, लर्न तो होनी ही चाहिए. रट्टा मत मारना, अपने आप हो जाते हैं. इसलिए दो मिनट इसको देखते रहोगे ना तो ये मैजिक है कि आपको अपने आप ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, लर्न हो जाएंगे. इसलिए अब तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लर्न तो ऐसे ही होने वाले. तो चलो मेरे साथ कुछ टॉपिक को हम लोग सीखते हैं और लर्न कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरिट बताओ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. दिख रहा है ना क्वेश्चन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मेरिट बताओ, फीचर बताओ, ये सब. ठीक है, मुझे क्या बात बताओ, आपको विश्वास करो मेरे बात पे, मेरिट्स और डीमेरिट्स मिला के आप लोग बना सकते हो फीचर्स. फीचर्स मतलब क्या? मैनेजमेंट क्या, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, तो मैनेजमेंट ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है. तो मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को मिलाकर भी आप लोग फीचर्स बना सकते हो, नहीं तो फिर मेरिट्स के सेपरेट अपने पॉइंट बना लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो बोलेंगे सर मेरिट डीमेरिट यानी कि फीचर्स होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं फीचर्स के लिए. सो लेट्स सी द फीचर नंबर वन. सबसे पहले बेटा क्या है? आर्ट है. आर्ट है क्या होता है? आर्ट मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ऐसा नो, क्यों इसको आर्ट बोलते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ. कि मान लो मेरे कंपनी के अंदर एक सेल्समैन है, इसलिए वो बहुत ही मतलब बेचारा बैठा हुआ है, डल सा आदमी है, काम नहीं करता ज़्यादा, मतलब थका रहा है. तो अब मैनेजमेंट क्या, मैं हूँ उसका सुपरवाइजर, मैं हूँ मैनेजर, इसलिए तो मैंने उसको खड़ा कर दिया और बोला भाई देख कंपनी का सेल बढ़ाना है. तो फिर उसको मैंने बहुत तरीके से मोटिवेट कर दिया, एक्स वाई जेड, तेरी सैलरी बढ़ेगी, तेरा घर चलेगा, तेरे को दो रोटी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए मतलब तू कमाएगा, तुझे कंपनी इंसेंटिव देगी, तेरी प्रोग्रेस होगी, तो सेल्स को बढ़ा बेटा, आज से काम कर. तो मैंने उसको बहुत बड़ा भाषण दे दिया, लेक्चर दे दिया और काम पे लग गया. और क्या हो गया? तो वो दौड़ने लग गया, सेल्स करने लग गया. इसलिए मतलब कि कंपनी का सेल्स बेटा क्या हो गया, बढ़ गया. इसलिए तो मैंने क्या किया, मेरे इसमें आर्ट मतलब मैंने क्या किया, तो सर आर्ट का इस्तेमाल किया. तो मैनेजमेंट में एक आर्ट होती है काम करवाने का आर्ट. इसलिए किसे? अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाने का आर्ट होता है. किसमें? मैनेजमेंट में होता है. इसलिए दूसरी चीज़ बताता हूँ, किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं तो प्लानिंग क्या होता है? बहुत बार हम बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक दोस्त बोलता है, राम बोलता है, अरे यार मेरे पास दिमाग में बहुत बिजनेस आइडिया आया हुआ है, अरे वाह क्या बात कर रहा है, सुना सुना सुना. तो वो उसको सुनाता है, ये सुनता है और बोलते हैं वाह बेटा क्या आइडिया है, क्या आइडिया है. तो दोस्तों आप ये जो बोल रहे हो ना, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, इससे बिजनेस नहीं चलता. इसलिए बिजनेस मतलब चलता है प्लानिंग से, और प्लानिंग करने के लिए लगती है स्किल्स, मतलब कि तरीके होते हैं प्लान करने की. ऐसा करने से हो सकता है हमको इतना मुनाफा हो जाए. अगर हम स्टॉक को इधर से खरीदते हैं तो हो सकता है हमारा खर्चा कम पड़े और हम इसको इतने में बेच पाए और इतना मुनाफा हो जाए. सेल्स को बढ़ाना है तो मार्केटिंग अपन ऐसे नहीं इस तरीके से करेंगे. मतलब ये बेटा क्या है, आर्ट है. प्लानिंग में हम लोग सोच रहे हैं, जैसे वीवो एंड ओप्पो का आपने देखा होगा, ऑसम. वीवो एंड ओप्पो की तो मार्केटिंग एकदम ऑसम, मतलब मैं मेरे लाइफ में उसको परमानेंट याद रखने वाला हूँ कि उन लोगों ने मार्केटिंग के जो टैक्टिक्स अडॉप्ट किए थे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डंप करने के लिए. डंप इन द सेंस होता है बेटा मार्केट में मतलब न्योछार करने के लिए, मार्केट में लोगों को फेमस करने के लिए. तो उन्होंने जो बनाया था ना बेटा, एडवर्टीजमेंट का जो कैंपेन चलाया था, दैट इज ऑसम. तो इसको बोलते हैं आर्ट, मतलब कि अपने सेल्स को बढ़ाना है, अपने लेबर को दौड़ाना है, यस, अपने पैसे को मैनेज करना है और खर्चों को घटाना है, राइट, और इनकम को बेटा बढ़ाना है. इज दिस क्लियर सर? इनकम को बेटा बढ़ाना है. तो ये आर्ट नहीं तो क्या है, ये हर किसी का काम नहीं होता. इज दिस क्लियर? तो आर्ट में आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, सेल्स को बढ़ाना, लेबर को दौड़ाना, एक्सपेंसेस को घटाना, इनकम को बढ़ाना. इसके अपने टैक्टिक्स एंड टेक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज होती है, उसको हम लोग आर्ट बोलेंगे. तो बोलो पहला पॉइंट लर्न हो गया आपको. इज दिस क्लियर?
हम बेटा है ना नर्सरी पैटर्न से लर्न नहीं करेंगे। मैं नहीं बोलूंगा आपको, बोलो बेटा एक बार वापस बोलो, एक बार बेटा वापस बोलो, एक बार वापस बोलो, बेटा एक बार वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। यू आर नॉट नर्सरी स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? यू आर माई स्टूडेंट, सो यू विल लर्न। ओके, समझेंगे लर्न हो जाएगा, समझेंगे लर्न हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। और हम दो बार देख भी लेंगे तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, इज दिस क्लियर? आपकी मेहनत रट्टा नहीं करते हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जरा फटाफट देखिएगा, हमको कवर काफी करना है कम समय में। बेटा दूसरा पॉइंट है आपका कंटिन्यूअस, व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस, मेरी स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके, इज दिस क्लियर? कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है बेटा, चलो आपको समझाता हूँ। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, राइट सर? अब हम लोग क्या सीख रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअस। ओके, माफ करना थोड़ा राइटिंग आगे पीछे गंदी आती है थोड़ी, वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे बच्चों, आपकी राइटिंग खूबसूरत है, आपकी तो नहीं है ना, बस हो गया, फिर ब्लेम मत करो, चलो ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं। बोलो, प्लानिंग कभी रुकती है? नहीं, क्योंकि आए दिन चलती है, आज हो गई तो कल दूसरी प्लानिंग, परसों तीसरी प्लानिंग। ओके बेटा, बोलो पैसे का मैनेजमेंट कभी रुकता है? नहीं, आज हमने खर्च कर लिया, पैसे बचाए, कल भी बचाएंगे, परसों भी बचाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे और सेविंग्स को बढ़ाएंगे, यस और नो? बेटा बताओ, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कभी रुकता है? नहीं, मतलब आज माल सप्लाई किया, कल इसको सप्लाई करना है, कल उस पार्टी को सप्लाई करना है, अरे यार स्टॉक कम हो गया, अरे यार स्टॉक बढ़ गया, कंट्रोल करो, सप्लाई करो, सेंड कर दो, डिलीवर कर दो, डीलर से ऑर्डर आया हुआ है। प्रोडक्शन कभी रुकता है? नहीं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट, ये जो प्रोसेस चलती है बेटा, कैसी है? कंटिन्यूअस है। कैसी है बेटा? कंटिन्यूअस है, मतलब कि मैनेजमेंट वो है जो हर मोमेंट पे, हर मिनट पे, हर घंटे पे, हर दिन में, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर साल में चलते रहता है, एग्जीक्यूट होता है, कंटिन्यू चलता है। दैट इज वाई इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तुम लोग कभी एक प्लान करके रुकते नहीं, यस और नो? और कभी एक डिग्री लेके रुकते नहीं, मतलब कि आगे बढ़ते हो, नया प्लान लेके आते हो, नए आइडियाज डिस्कस करते हो, नया एक्टिविटी करते हो और नया एग्जीक्यूशन करते हो, नया फंक्शन करते हो, मतलब कि हर दिन आप सोचते हो, यानी कि हर दिन आप प्लान करते हो, हर दिन आप अपनी बजटिंग करते हो, हर दिन आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो। तो दिस इज व्हाट द बेटा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बोलो, सेकंड पॉइंट भी लर्न हो गया आपको? चलो बैक टू पेविलियन। सो लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। बोलो, समझा? What is the first point बेटा? Art. What is the second point बेटा? Continuous process. Management क्या है? तो art है. Management क्या है? तो continuous process है. Continuous process है. Is this clear? Let's come to the next point. That is the function. बेटा management एक ऐसा function है. Function है. क्यों? इसको function क्यों बोला है? Let's back to the position. Just hold it. Okay. Now हम लोग ने क्या देखा? Management एक function है. बोलो. Function है या नहीं है? बताना मुझे थोड़ा. बोलो, फंक्शन है या नहीं है? है ना? मैनेजमेंट एक क्या है? प्रोसेस है। जब मैं प्रोसेस बोल देता हूँ तो ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब एक्टिविटी। तो मतलब कि आप मैनेजमेंट करते हो, विदाउट एनी एक्टिविटी पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब प्रोडक्शन करना है भाई साहब, प्रोडक्शन करना है भाई साहब, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स करना है बेटा भाई साहब, लेबर को भी मैनेज करना है, लेबर को हैंडल करना है, लेबर की प्रेजेंट अटेंडेंस देखना है, लेबर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करना है। तो बेटा ये सब तो व्हाट फंक्शंस है ना, तो ये मैनेजमेंट का काम है कि मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। तो ओके, तो क्या है मैनेजमेंट बेटा? आर्ट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैनेजमेंट फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा क्या है? मैनेजमेंट क्या है? गोल है। सो बेटा मैनेजमेंट क्या है, है ना? तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है बेटा। बताओ मुझे, मेरे को आपसे बात पूछनी है। चलो अपने पेज पर आते हैं सर, स्क्रीन पे देखो आप लोग, अपने स्क्रीन पे देखो। इज दिस क्लियर? गोल ओरिएंटेड बेटा। क्यों मैंने इसको बोला गोल ओरिएंटेड होता है मैनेजमेंट, बताइए मुझे आप। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आंसर देना बेटा, मैं अगर आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी में आप जो चल रहे हो, सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, फिर सो रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये सब, है ना? आगे जीने के लिए, कुछ पाने के लिए, इवन कुछ खोने के लिए, क्योंकि लाइफ में कुछ खोंगे तो डेफिनेटली कुछ, अरे कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता है ना, दिस इज व्हाट। तो बेटा आपकी लाइफ गोल ओरिएंटेड है ना, यानी कि आप जो हरकतें करते हो ना, तो आपकी हरकतें कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। किसी को डांस की हैबिट है तो वो डांस क्यों कर रहा है? मालूम, उसको मालूम है कि मैं एक नया स्टेज परफॉर्मेंस दूंगा, इसलिए वो अभी से प्रैक्टिस में लगा हुआ है। इसलिए किसी को गिटार का मतलब शौक है तो वो गिटार आज क्यों बजा रहा है? उसको लगता है कि कल को जाके मैं एक म्यूजिक अच्छा कंपोज कर पाऊंगा। इसलिए किसी को लग, कोई भी, तुम आज जो हरकत कर रहे हो
वो तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है। वैसे ही हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट होता है बेटा, कि हर बिजनेस के अंदर में एक अपना मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं वो उसका अपना गोल है। मैं आपके साथ यहाँ खड़ा क्यों, मेरा भी अपना एक गोल है, क्योंकि ये भी मेरा बिजनेस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा गोल है कि मेरे को लोगों तक पहुँचना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ उतना ज़्यादा मतलब मेरा मोटो सक्सेसफुल हो जाएगा। इज क्लियर? तो दिस इज व्हाट द गोल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द मैनेजमेंट। ये सब कुछ मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बन रहा है और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मैनेजमेंट टू अचीव अ गोल, दिस इज अ मैनेजमेंट टू अचीव अ गोल। तो बेटा अगर टाटा मोटर्स वाला है तो वो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, बरोबर? यस और नो? हल्दीराम वाला है वो बेटा मिठाई क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, बराबर? गवर्नमेंट है वो क्यों इतना भाग दौड़ कर रही है, क्योंकि उसको देश चलाना है और लोगों का कल्याण करना है बेटा, वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना है बेटा। तो दैट इज मीन्स हर चीज यानी जो भी एलिमेंट ले लो आप, उठा लो, सबका अपना गोल होता है, तो इसलिए वो लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हुआ फिर, गोल ओरिएंटेड हुआ। कैसा हुआ बेटा, गोल ओरिएंटेड। इवन चोर लोग भी, पांच लोग अगर मैनेजमेंट कर रहे कि हमको चोरी करनी है, तो चोरी करने के लिए वो अपना मैनेजमेंट करेंगे, मतलब मैनेजमेंट जो करेंगे वो गोल से रिलेटेड होगा, यानी कि उनके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो दिस इज व्हाट बेटा वी से द गोल ओरिएंटेड। लेट्स कम बैक टू द पेवेलियन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फटाफट, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है ना, इसलिए ओके लेट्स फाइंड। क्या लिखा बेटा, ग्रुप एक्टिविटीज। आई एम जस्ट लुकिंग एट माई लैपटॉप एंड जस्ट रीडिंग दैट वर्ड। ओके, तो ग्रुप एक्टिविटी बेटा क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। इसको तो ऐसे ही समझा देते, पेज पे नहीं जाते हम लोग। ग्रुप मतलब क्या होता है, क्या प्रोडक्शन मैनेजर लगता है, यस। क्या सेल्स मैनेजर लगता है, यस। क्या आपको फाइनेंस मैनेजर लगता है, जी हाँ। क्या आपको डायरेक्टर लगता है कंपनी में, जी हाँ। क्या लेबर आपके साथ काम करते हैं, जी हाँ। अरे भाई साहब, ये तो सारे के सारे कंपनी के लोग हैं, मतलब ये साथ में मिलकर इस कंपनी के सेल्स को बढ़ा के मुनाफा कमा रहे हैं, यानी कि टीम वर्क है। मैनेजमेंट यानी कि ग्रुप वर्क हो गया, मैनेजमेंट लोग मिलकर साथ में करते हैं, ग्रुप साथ में मिलकर करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 लोग मिलकर साथ में करते हैं। आज हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो हम लोग भी 4-5 लोग आपके लिए कुछ मैनेजमेंट करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब द मैनेजमेंट बेटा इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बेटा, ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट बिना ग्रुप के पॉसिबल नहीं है। सेल्स वाला सेल का काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन काम का काम कर रहा है, फाइनेंस वाला फाइनेंस का कर रहा है, डायरेक्टर्स प्लानिंग बना रहे हैं, एज क्लियर। मैनेजर लोग जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी में लगे हुए हैं, जिसका मतलब कि सब के सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबका मोटो है कि कंपनी का सेल्स बढ़े, कंपनी का सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े और सबको मुनाफा मिले, यानी कि बाय वे ऑफ सैलरी टू द लेबर। नाउ आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा, नॉट बॉर्न, नॉट इन बॉर्न क्वालिटी। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा दूं, मतलब विदाउट टेकिंग योर टाइम। ओके, नॉट इन बॉर्न क्वालिटी, ये क्या लिखते हैं, इन बॉर्न का मतलब क्या होता है, पैदा होते ही कोई क्वालिटी आती है किसी में, वो तो गॉड गिफ्ट है। अगर ऐसा कुछ अचानक हो जाए, अगर छोटा बच्चा मान के चलो कि फटाफट से पैदा होते हुए 2 महीने के बाद ABCD बोलने लग जाए, तो अपन बोलते हैं वाह भगवान की देन है, इट्स अ गॉड गिफ्ट। छोटा बच्चा अगर 1 साल का अगर डांस करने लग जाए शाहरुख खान के गाने पे, तो अपन बोलते हैं लुक एट हिम, इट्स अ गॉड गिफ्ट, ऐसा नो? लेकिन बेटा हर बच्चा ऐसा नहीं होता है ना, कि 10 में से 8-9 केसेस ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं, इसलिए। तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी एक चीज़ सीखी जाती है। आपको क्या लगता है कि आपको मैनेजमेंट आता है ना? चलो बताओ बेटा, फिर कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मशीन खरीदे और कौन सी नहीं? अगर मैं सपोज मान के चलते हैं कि भाई मेरा दोस्त है छगनलाल, उसको लेके गया बेटा बता आपने को मशीन लेनी है, तो मेरा छगनलाल बोलता है राजेश सर ये वाली मशीन उठाते हैं, बड़ी खूबसूरत दिख रही है। मैंने उसके तरफ देखा, मुझे गुस्सा आया, मतलब वाह छगनलाल जी, आपका नाम इसलिए छगनलाल है, आप मशीन का रंग देखते हो, मशीन की सॉलिडनेस देख रहे हो, मशीन का मतलब ऊपर से जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हो, और बोले इसी को खरीद लो यार बहुत अच्छी दिख रही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अरे भाई 5-10 लाख रुपये की मशीन है और हर साल मुझे 3-3 लाख रिटर्न्स दे रही है, मतलब 3 साल में पैसा कवर कर रही है, और ये मशीन खरीद रहा हूँ तो 2 साल में पैसा कवर कर रही है, तो आई विल गो थ्रू दिस मशीन।
मैं छगनलाल के डिसीजन पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मशीन के इस वाले डिसीजन पे। बोले कैसे, ये क्या बोल रहे हो सर आप? तो क्योंकि ये क्वालिटी है ना मैनेजमेंट की, जो मुझे सीख कर मिली, किताब पढ़कर मिली, फाइनेंस जानकर मिला कि कैसे डिसाइड करते कि कौन सी एसेट्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मतलब कि हमारा एक्सपेंस क्या है उस मशीन के पीछे और रिटर्न्स हमको उस मशीन के ऊपर कब आ रहे हैं और पे बैक रेट क्या होता है, ये तो मैंने सीखा है। दिस क्वालिटी आई गॉट इनसाइड इन मी राइट बाय लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं ना, तो ये क्वालिटी एडॉप्ट की गई है बेटा। चलो ठीक है, सेल्स की क्वालिटी होती है, आपको मालूम है सेल्स कैसे करते हैं। चलो बताओ बेटा, एक मुझे मतलब आप लोग सिर्फ मेरे को कुछ एक फ्रूट्स बेच के दिखाओ यार, एप्पल बेच के दिखाओ, यू नो। तो आप बोलेंगे सर हम तो ठेले पे खड़े रहेंगे, ठेला लेके खड़े रहेंगे और आएंगे कस्टमर, हम बेच देंगे। कुछ लोग बोलेंगे हम तो ऐसे स्पॉट पे ठेला लगाएंगे कि वहाँ पे सेल बढ़ जाए, और कुछ लोग आके क्या करेंगे कि जब ठेले पे गिराई आएंगे ना, तो हर गिराई के साथ इस तरीके का कम्युनिकेशन करेगा कि वो गिराई है ना, न चाहते हुए भी उस एप्पल को जरूर लेके जाएंगे। कम्युनिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हर किसी की स्किल नहीं होती या हर किसी को नहीं जमती, हर किसी को नहीं आती। इज दिस क्लियर बेटा? तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा सेल तो सिर्फ कम्युनिकेशन से होता है। कैसे होता है? कम्युनिकेशन से। अगर आपका सेल्समैन सही तरीके से पोपट की तरह बोल दे और चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करके बोल दे, कस्टमर की नीड को समझकर उसको प्रेजेंट सही तरीके से कर दे, तो बेटा सेल्स बढ़ता है। ये है स्किल होती है, ये इनबॉर्न नहीं आती, ये सीखनी पड़ती है और समझनी पड़ती है और इधर उधर से देखकर अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट मतलब कर सकते हैं, ऐसा बोलना है बोलना। ठीक है, चलो बेटा आते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कि आपको सब समझ रहा है। ठीक है, फटाक से देखते हैं, अभी दो मिनट के अंदर अपन ये तीन पॉइंट खत्म कर देते हैं। बोलो साइंस, बोलो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला है? तो मैं आपको एक सिंपल बता दूंगा, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है हम लोग निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है कि उसमें अपने को समझ में आता है कि जैसा कि मान के चलो मेरी कोचिंग में, मान के चल बेटा मेरी कोचिंग में अगर 50 बच्चे आते हैं, तो मुझे मालूम है कि 50 बच्चे मेरा ब्रेक इवन लेवल है। ब्रेक इवन लेवल मतलब कि इस 50 बच्चों से जो फीस आएगी उसमें मेरा रेंट जाएगा, उसमें मेरे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जाएंगी, मेरी स्टाफ की सैलरी जाएगी, मतलब कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो 50 बच्चे कैलकुलेट कैसे हुए? बाय यूजिंग फार्मूला हो गया, मतलब ये साइंटिफिक वे है ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ योर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली लेवल का, मतलब कि ब्रेक इवन लेवल का। यानी कि कुछ साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग मैनेजमेंट प्लान करते हैं। अगर मैंने बोला 50 बच्चे, तो व्हाट आई विल डू टू रन माय बिजनेस इनटू द प्रॉफिट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 50 से ऊपर मैं बच्चे बढ़ाऊंगा तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। राइट सर, दिस इज व्हाट आई से द साइंटिफिक टेक्निक इन द मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम बेटा मैनेजमेंट में करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो बच्चा पार्टी देखो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, सोशल प्रोसेस है। राइट सर, सोशल प्रोसेस क्या होता है? सोशल प्रोसेस, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होता है ना, एम्प्लॉई मैनेजर्स एग्जीक्यूटर्स सीईओ डायरेक्टर्स, इन सब से घिरा हुआ होता है, यानी कि ह्यूमन बींग से घिरा हुआ होता है और ह्यूमन बींग से ही मैनेजमेंट होता है, और ह्यूमन बींग जहाँ होती है ना बेटा, तो इसलिए उसको नाम दिया गया है सोशल प्रोसेस। यानी ह्यूमन बींग से जुड़ी हुई जो प्रोसेस होती है ना, इसलिए उसको नाम दिया गया सोशल प्रोसेस। तो इसलिए मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस होता है। इसलिए नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आपको याद है कि मैनेजमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं, फॉरेन के भी लोग, क्योंकि उन्हीं का तो मैनेजमेंट हम लोग सीख रहे हैं किताब में पढ़ के। तो दोस्तों यूनिवर्सल होता है, क्योंकि ये आप है ना, देखो मैनेजमेंट है ना मंदिर पे अप्लाई होता है, मतलब टेम्पल पे, मैनेजमेंट है ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होता है, रेस्टोरेंट पे होता है सर जी, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पे होता है सर जी, और उसके बाद एक क्लोथ कंपनी मतलब कि गारमेंट्स कंपनी के ऊपर होता है सर जी। दुनिया का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ला लो, मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट वहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे होता है वो बता दूंगा, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट होता है, बट मैनेजमेंट अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोला है? यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल प्लानिंग। दुनिया का कौन सा ऐसा एलिमेंट नहीं है बताओ जहाँ प्लानिंग नहीं की जाती, मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो बोलो 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 मैनेजमेंट क्या हुआ फिर? यूनिवर्सल हो गया। क्या हो गया बेटा? यूनिवर्सल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर लिखा बेटा वर्क इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट अपने आप में एक वर्किंग इन्वायरमेंट, जैसे ही मैं लिखता हूँ ना बेटा ये एम वाला शब्द वापरता हूँ मैं मैनेजमेंट, तो इसका मतलब सीधी फीलिंग आती है फंक्शंस की, यानी कि वर्क की, यानी कि एक एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन की,
सेल्स वाला सेल करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, स्टोर वाला स्टोर करेगा, क्वालिटी वाला क्वालिटी मेंटेन करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस मैनेज करेगा, उसके बाद तुम्हारा जो आउटसाइडर्स आउटसोर्स करोगे आप लोग कोई बिजनेस को कोई एक्टिविटी को, लॉजिस्टिक वाला लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेगा. तो दिस आर द मेनी थिंग्स दैट यू विल डू एंड यू विल सी दैट देर इज काइंड ऑफ अ नथिंग बट अ वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. चलो भाई एक थोड़ा सा आधे मिनट के लिए मौन व्रत ले लो और स्क्रीन पर इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से लर्न करो. मैं आपके लिए आधा मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास भी टाइम कम है, आधा मिनट फटाफट लर्न कर लो. आप रट्टा नहीं मारेंगे, हम नर्सरी नहीं है हम लोग. इज दिस क्लियर? नाउ चलो चलो बेटा बच्चा पार्टी हो गया, लर्न देख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं होपफुली. चलो लेट्स कम फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ओके अब आते बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर. इसको क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा? है ना, 5 मिनट बस, होल्ड इट ऑन. ओके क्योंकि इजी है, आपको मीनिंग समझ चुका है. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको क्या बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट बी देयर एंड स्टे देयर एंड जस्ट लर्न फ्रॉम राजेश सर. इज दिस क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ओके वी आर गोइंग टू रीड द ऑब्जेक्टिव्स. रोल, इसको रोल भी बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं. मतलब कि ओवरऑल ये सब नामों से ये वाला क्वेश्चन पहचाना जाएगा. किसी ने पूछा रोल क्या है तो ये लिख देना, किसी ने पूछा एडवांटेज क्या है यही लिख देना, किसी ने पूछा इंपॉर्टेंस क्या है बेटा यही लिख देना. अल्टीमेटली मतलब वही निकलता है. तो रोल, और हो सकता है कि कुछ लोग बोले बेटा सर रोल तो अलग होता है ना, तो रोल मतलब फंक्शन होता है ना, रोल मतलब कार्य होता है ना, रोल मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग वो होता है ना, तो इसका मतलब यही है. चलो देखते हैं क्या चीज़ है, जरा आपको समझ आएगा. पहला रोल क्या है भाई, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेशन. दुनिया में मैनेजमेंट किया ही इसे ले जाता है ताकि आपका एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करे. जैसे कि अगर मेरा मटेरियल मैनेजमेंट है, बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा तकलीफ होंगी आपको आंखों में, इरिटेट होगा, तो मटेरियल मैनेजमेंट है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है बेटा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है. मानो कि मटेरियल वाले ने मटेरियल ही नहीं लाया, तो भाई प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन क्या करेगा? आप लोगों ने मम्मी को शक्कर ही नहीं ला के दिया तो बेटा मम्मी चाय क्या बनाएगी? मतलब कि तुम लाओगे तो मम्मी चाय बनाएंगी. दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट वी से द कोऑर्डिनेशन. इज दिस क्लियर? एकदम सिंपल एग्जांपल, घर का है आपके. इज दिस क्लियर? अगर आपका दोस्त आपको किताब नहीं ला के देगा, आपने उसको दिए और आपको किताब नहीं ला के दिया, तो आप पढ़ोगे कैसे, स्कोर कैसे होगा? मतलब आपको तकलीफ हो सकती है ना, करोगे तकलीफ होगी, लेकिन उसने ला के दिया और आपने पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया, तो कोऑर्डिनेशन. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन. तो दिस इज व्हाट बेटा कोऑर्डिनेशन वी मेंटेन. तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ होता है? सेल्स डिपार्टमेंट कंसर्न करता है फाइनेंस के साथ, देन फाइनेंस कंसर्न करता है डायरेक्टर्स के साथ, प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ. तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं उनके काम में. इसी सहयोग को हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं. अगर इसमें से एक भी सहयोग बीच में से टूट गया ना, तो ऑर्गेनाइजेशन अटक जाता है, रुक जाता है. यू कैन अंडरस्टैंड इट. तुमने शक्कर नहीं ला के दिया ना मम्मी को, तो चाय नहीं बनेगी, बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है. नाउ आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज हायर प्रॉफिट. ये है ऑब्जेक्ट हमारे मैनेजमेंट का. क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत, है ना? क्यों हम प्रोडक्शन करेंगे, क्यों हम सेल्स बढ़ाएंगे, क्यों हम फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे? प्रॉफिट कमाना है. क्या कमाना है बेटा? प्रॉफिट. इसलिए सब मैनेजमेंट होगा, इसलिए इतने सब एफर्ट्स लगेंगे, राइट सर? तीसरा बेटा क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हम मैनेजमेंट कॉस्ट को घटाने के लिए करते हैं? हाँ भाई, व्हाई नॉट. देखो इतना बड़ा खूबसूरत मैनेजमेंट मैंने यहाँ लिखा है, देखो जरा शब्द को देखो, मटेरियल मैनेजमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे. क्यों करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट? कहाँ से खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कितने रेट से खरीदना है, कौन सी ग्रेड का खरीदना है, इससे हमारे पैसे बच जाते हैं. मटेरियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट, क्योंकि खर्चे हटाने हैं. सेल्स मैनेजमेंट में भी ऐसी होता है. अगर किसी एम्प्लॉय को अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो उससे इतना सेल्स करवाओ कि रिटर्न्स इतनी आ जाए कि उसकी सैलरी उसी कमाई से निकल जाए. तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. मतलब यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि खर्चा कम हो जाए, बिजनेस का खर्चा कम हो जाए. ये ऑब्जेक्ट होता है हमारे मैनेजमेंट का. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मोटिवेशन. मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? मोटिवेट करना. किस बात के लिए? बताओ बताओ बताओ. सबसे बड़ा दुनिया का मोटिवेशन बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? प्रॉफिट.
तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। सेल्स करो प्रॉफिट के लिए, फाइनेंस कंट्रोल करो प्रॉफिट के लिए, प्रोडक्शन करो प्रॉफिट के लिए, प्रोडक्ट बनाओ प्रॉफिट के लिए, इनोवेशन करो प्रॉफिट के लिए, रिसर्च करो प्रॉफिट के लिए। बेटा हम लोग जो चीज़ चाहते हैं ना, मोटिवेशन इट्सेल्फ अ प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट अपने आप में एक मोटिवेशन होता है, किस चीज़ के लिए कि प्रॉफिट बुक करना है। मैनेजमेंट की एक्टिविटी क्या है? एक मोटिवेशन है, किस चीज़ के लिए? तो प्रॉफिट बुक करना है। इसलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम आराम से हमारी राजस्थान की क्लास में, बट है ना ये हमारा लाइफ है शॉर्ट एंड सिंपल वाला। इसलिए तो डोंट एक्सपेक्ट टू लार्ज एक्सप्लेनेशन, टू बिग एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक, बट आई प्रॉमिस कि आपको ये सारी चीज़ें समझेगी और समझ रही है या होगी। नहीं होगी डोंट वरी, कमेंट में लिख दो, आई विल अप्रिशिएट, आई विल एक्सेप्ट इट। ओके सो आगे बढ़ते बेटा, अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल पे जोड़िए, वीडियो फ्री में एक्सेस करिए और अपना कोर्स पढ़िए और स्कोर करिए। इज दिस क्लियर? नाउ बेटा क्या है मैन पावर डेवलपमेंट? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है मैन पावर डेवलपमेंट। चलो भाई ये भी समझा देते आपको, MD मतलब मैन पावर डेवलपमेंट, ये वाला नहीं है जो दीपिका पादुकोण NCB वाले केस में फंसी थी, तो MD वाला नहीं है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सर किसको बोलते हैं? मैनेजमेंट डेवलपमेंट बेटा, मैनेजमेंट का काम होता है कि अपनी मैनेजमेंट को, मैन पावर को डेवलप करो। बोले कैसे? सेल्स वालों को ट्रेन करेंगे, बताएंगे कपड़े कैसे पहनते, बताएंगे बोलते कैसे, बताएंगे प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, मतलब उसको ट्रेनिंग दे दिया। प्रोडक्शन वाले को बताएंगे बेटा मटेरियल को ऐसे हैंडल करो, बेटा मशीन के इधर एग्जीक्यूट करना, बेटा इतनी देर उसको गर्म करना है, बेटा उसको इतना मतलब पैक करके रखना है, बेटा उसको यहाँ स्टोर करना है। इज दिस क्लियर? बेटा ऐसी पैकिंग नहीं ऐसी करनी है, मतलब हम वहाँ पर भी ट्रेनिंग देंगे। इज दिस क्लियर? फिर हम लोग अपने मैनेजर्स को, सेल्समैन्स को, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, सबको ट्रेंड करते हैं, मतलब कि उनको डेवलप करते हैं। और वैसे भी देखने के बाद जो भी बंदा कंपनी में काम करता है तो आपने देखा होगा सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, मतलब कि शर्ट टाई पैंट के साथ आपको दिखेगा टॉप टिप। बोले क्यों? क्योंकि वो कंपनी में जॉब कर रहा है ना, तो क्योंकि कंपनी ने उसको मोटिवेट कर दिया, मतलब उसको डेवलप कर दिया, बोलना सिखा दिया, बैठना सिखा दिया, कपड़े पहनना सिखा दिया और उसको आगे बढ़ना सिखा दिया। तो दैट इज द माइंड पावर डेवलपमेंट मैनेजमेंट डू। ओके नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? प्रॉपर सिलेक्शन। आते हाँ, तो बेटा प्रॉपर सिलेक्शन किस बात का बोल रहे हैं वो? प्रॉपर सिलेक्शन मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है भाई साहब प्रॉपर सिलेक्शन। चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा एक मिनट लेते हैं अपन, जल्दी फटाक से समझ लेते हैं। बेटा देखो जब मैनेजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन तो होगा ही है ना, किस चीज़ का सिलेक्शन करेगा भाई साहब? ये पहली चीज़ हो सकता है मैन पावर का सिलेक्शन कर ले, मतलब कि कौन से लेबर को अपॉइंट करना है और कौन से लेबर को नहीं करना है। दूसरा हो सकता है बेटा प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और कौन सा नहीं। ये तो वैसे डायरेक्टर का डिसीजन होता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट मैनेजर्स के हाथ में भी छोड़ दिए जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में। तो इसका मतलब ये एक डिसीजन हो सकता है सिलेक्शन ऑफ राइट थिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें उसको ये डिसीजन भी लेना है कि भाई मटेरियल कौन सा खरीदे और कौन सा नहीं खरीदे, यू नो ये भी एक सिलेक्शन का पार्ट है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि मैन पावर तो मेजर है, लेकिन इसके अलावा भी सिलेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी से द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द राइट थिंग फॉर द बिजनेस। ओके टू सिलेक्ट द राइट थिंग फॉर द बिजनेस। चलो कम बैक, चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है यहां पर, वन सेकेंड होल्ड फॉर अ वाइल। ओके चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास यहाँ पर 7 नंबर पे क्वालिटी मैनेजमेंट, ये ऑब्जेक्ट है भाई, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये ऑब्जेक्ट तो है ही है, बनता ही है। बोले क्यों? बोलो भाई कोई भी मैनेजमेंट अगर करते हैं हम लोग है ना, कोई भी मैनेजमेंट करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए होता है? प्रोडक्ट प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है तो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा बेटा? क्वालिटी मतलब कि किसकी क्वालिटी? चलो अब इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जरूर, ठीक है, चाहे आपका समय क्यों ना चले जाए लेकिन एक्सप्लेन तो करूंगा। क्वालिटी मतलब बेटा क्या होता है? देखो क्वालिटी, अब क्वालिटी किसकी किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको मालूम है प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। दूसरा बेटा वर्क क्वालिटी भी होती है, यानी कि लेबर की क्वालिटी, वर्कर क्वालिटी होती है। बोले किस टाइप का सर? कुछ लेबर स्किल्ड होते हैं, कुछ लेबर अनस्किल्ड होते हैं, मतलब स्किल्ड वाले लेबर ये हो गया, अनस्किल्ड वाले लेबर बेटा। ओके नाउ तो ये वर्क को लेके भी क्वालिटी अपने को देखना होता है। उसके बाद आप लोगों ने कभी TQM सुना है क्या? TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सब आता है सर, राइट फ्रॉम योर मार्केटिंग क्वालिटी,
राइट फ्रॉम योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फ्रॉम द लेबर मैनेजमेंट क्वालिटी, एवरीथिंग, जो जो एलिमेंट पे हम वर्क करते हैं उस वर्क में क्वालिटी वर्क होना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपने ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट भी बैठाया है या बैठाई है तो उसकी कम्युनिकेशन में भी क्वालिटी होना चाहिए। अगर हमारा अकाउंटेंट है तो उसके काम करने के तरीके में क्वालिटी होना चाहिए। अगर हमारा सेल्समैन है तो सेल्स करने में उसकी क्वालिटी होना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है तो चीज़ों की प्रोडक्शन में उसके काम में क्वालिटी होनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी से द क्वालिटी, मेंटेनिंग द क्वालिटी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी इज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब कि ये मैनेजमेंट हमारा होता है बेटा। चलो ठीक है, वंस अगेन बैक टू पेवेलियन। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, वंस अगेन द नोट्स स्क्रॉल डाउन, नोट्स स्क्रॉल डाउन। ओके अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, क्या लिखा है? राइट डिसीजंस। क्या बोला बेटा? राइट डिसीजंस। कौन, मतलब यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स सीख रहे हैं, किसके? मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट क्या हम लोग गलत चीज़ों के लिए करते हैं? हमें उसे गलत करना है, मतलब सब लॉस में आना चाहिए, लेबर भग जाने चाहिए, फाइनेंस पैसा डूब जाना चाहिए, खर्चे बढ़ जाने चाहिए, ये सब के लिए होता है? नो, हमारे राइट डिसीजंस के लिए होता है। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि राइट डिसीजंस का मतलब होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हाँ होता है, उसके अलावा भी राइट डिसीजंस होते हैं ना, मतलब कि मटेरियल कहाँ से खरीदे कहाँ से नहीं, राइट डिसीजंस। कौन सी मशीन बिजनेस में लगाए और कौन सी मशीन नहीं, राइट डिसीजन। उसके बाद किसको अपॉइंट करें और किसको नहीं, राइट डिसीजन। उसके बाद किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और किस कंपनी के साथ नहीं, राइट डिसीजन। इसलिए मतलब कि जजमेंटल चीज को मैनेजमेंट फॉलो करता है। मैनेजमेंट किया ही उसके लिए जाता है, सोचा इसके लिए जाता है, प्लान भी उसके लिए बनाया जाता है, कोऑर्डिनेशन भी उसी के लिए सेट कर दें, ऑर्गेनाइजिंग भी उसी के लिए होती है। मतलब मैनेजमेंट अगर मैं सपोज प्लानिंग कर रहा हूँ तो बेटा मैं किस चीज़ के लिए करूँगा, सही जाना चाहिए, प्लान उसी के लिए बनाते हैं कि हर चीज़ सही होनी चाहिए, प्लान उसी के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट होना चाहिए, प्लान उसी के लिए बनाते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट होता है राइट डिसीजन के लिए। तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मैनेजमेंट इज टू डू द राइट डिसीजंस। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्लिगेशन। ओके दिस वन इज, यू कैन सी द सोशल ऑब्लिगेशन। क्या है मैनेजमेंट? एक सोसाइटी का जिम्मा है। बोले किस टाइप का? अब मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मेरी सामाजिक जवाबदारी ये है। क्या है लिख देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपका? चलने दो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फायदा भी तो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। सोशल ऑब्लिगेशन की जगह मैं बात करूँ तो सोसाइटी में मैनेजमेंट का मतलब रोल क्या है? कंपनी सबको मालूम है, बताओ मुझे, अगर इसने पोल्यूशन फैला दिया, पोल्यूशन, तो सोसाइटी को नुकसान होगा। उसके बाद अगर इसने टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं आएगा। अगर इसने सपोज साउंड क्रिएट किया, मतलब कि साउंड आवाज़ कर रहे हैं और सोसाइटी को दिक्कत हो रही है। अगर उन्होंने वाटर पोल्यूशन किया तो सोसाइटी को दिक्कत हो रही है। सेकंड, इन्होंने अगर सपोज मिक्स प्रोडक्ट बेच दिए, मतलब कि एडल्टरेट प्रोडक्ट बेच दिए, यानी कि बेटा मिक्सिंग वाले, मतलब कि गलत गलत केमिकल्स मिक्स करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये अनाप शनाप प्राइस फॉलो लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की चार्ज कर रहे हैं, यानी 500 की चीज़ 5000 में बेच रहे हैं, 100 की चीज़ 3000 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये लोग सोशल, यानी कंपनी सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं कर रही है। तो कंपनी अपनी मैनेजमेंट इसलिए करती है क्योंकि उसका एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए नियम को फॉलो करो। समझना कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए बेटा नियम को फॉलो करो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करो और सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाओ, ना कि नुकसान। तो ये एक मैनेजमेंट के पीछे, यानी कि मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे से वजह से किसी को नुकसान ना हो, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ ताकि लोगों को मेरे से बेनिफिट मिले। तो मैनेजमेंट का मेन मोटो होता है बेटा सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि सामाजिक जवाबदारियों को समझना। लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन बेटा क्या है? टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम। बताने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट हम करते ही, इसलिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट ही है कि लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व करो, यानी उनको वेजेस दो, उनको साफ सफाई दो, उनका वर्किंग आवर कंट्रोल करो, उनको ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उनकी मांगे पूरी करो, उनको बोनस दो, इंसेंटिव दो, उनकी सेल वेजेस बढ़ा के दो, मतलब ऑल दिस बेनिफिट्स यू हैव टू गिव टू द लेबर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेबर। जैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना प्रॉफिट बुक करने के लिए, मतलब कस्टमर को आप सेटिस्फाइड करते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, वैसे लेबर को भी सेटिस्फाइड करना है काम करने के लिए। इसलिए तो मैनेजमेंट इनके लिए भी करना पड़ेगा जैसे आप अपने कस्टमर्स के लिए करते हो। तो इन दिस वे वी कैन डू द मैनेजमेंट। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके चलो बेटा आधा मिनट ले लो,
हम नर्सरी वाली लर्निंग नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी वाली लर्निंग करेंगे। तो आधा मिनट ले लो और इन पॉइंट को वापस से एक बार शांति से रिकॉल करो। चलो ठीक है, करो आप अपना काम, मैं ये मिटाने का काम करता हूँ। चलो बच्चा पार्टी लर्न हो गया आपको, फिर आधा मिनट बोला था मैंने, आधा मिनट ज्यादा नहीं। चलो ओके, होपफुली लर्न हो गया आपको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो लो दोस्तों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए तो थोड़ा बेसब्री से और आराम से और शांति से सुनिएगा भाई। तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, मैं 5 से 6 मिनट में निपटाने वाला हूँ। बोले क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, देखते हैं आप लोग। देखो चलो ठीक है, तो देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर। तो बेटा क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजर, क्या है मतलब मैनेजर क्या कार्य करता है, क्या काम करता है। इसलिए तो देखो बेटा मैनेजर के 3 टाइप के काम होते हैं भाई साहब। कौन से 3 टाइप के काम होते हैं? एक इंटरपर्सनल रोल, यानी कि व्यक्तिगत स्वरूप में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, वो वाला एक फंक्शन है उसका। दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल, मतलब कि इसको भी कोई जानकारी डिलीवर करनी होती है, कोई जानकारी दूसरे को बतानी होती है, ऊपर रिपोर्ट करना होता है, मतलब ऊपर इन द सेंस किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी कि अपने हेड ऑथोरिटी को। उसके बाद बेटा डिसीजन रोल होते हैं इसके, मतलब अब ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजर है, तो इसी को लेबर अपॉइंट करनी है, इसी को डिसाइड करना है कि भाई मशीन की स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी को डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से खरीद के लाना है, क्योंकि ये मैनेजर है। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करने वाला, मैनेजर। इसलिए तो इसका डिसीजन रोल होता है। तो बोलो फैजा बेटे फिर से लर्न कर लो, पहला पहला क्या रोल है, इंटरपर्सनल रोल। दूसरा रोल क्या बेटा, इंफॉर्मेशनल रोल। तीसरा रोल क्या है बेटा, डिसीजन रोल। आप लोगों को सीधे सीधे पॉइंट भी मिल सकते हैं, मतलब कि आप ये हेडिंग्स को हटा दो, ये सीधे सीधे पॉइंट को उठा के छाप दो, यानी कि तीनों हेडिंग को हटा दो और सिंपल पॉइंट बना के आप लर्न कर लो। दैट्स वेरी इजी फॉर यू, है क्या नहीं? यस गुड। तो बेटा मैंने तो इसको तीनों इसमें क्लासिफाई किया, तो अपने को जल्दी समझ में आएगा। इसलिए इंटरपर्सनल मतलब यानी कि मैनेजर लेबर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मैनेजर डायरेक्टर के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, या मैनेजर ने डायरेक्टर्स के साथ किस टाइप का व्यवहार करना है या कैसे करना है, तो ये इंटरपर्सनल कैटेगरी में आता है। चलो देखते हैं पहला पॉइंट, टू मोटिवेट। मतलब इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है भैया, हमारा मैनेजर जो है ना हमारे लेबर को है ना मोटिवेट करता है, डांट कर, प्यार से, कुछ अच्छा देकर, कुछ समझा कर, कुछ ट्रेनिंग देकर, कुछ गाइड कर, मतलब कि लेबर को वो लोग बेचारे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये उसका पहला इंटरपर्सनल रोल है कि लेबर को मोटिवेट करो, यानी अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करो। अपने सबॉर्डिनेट यानी कि मैनेजर के जो नीचे लेबर लोग काम करते हैं, सुपरवाइजर लोग काम करते हैं, उन सबको मोटिवेट करना है, मतलब गाइड करना है, ट्रेन करना है, डायरेक्शन देना है। दूसरा बेटा क्या है, टू सुपरवाइज। अब वो काम कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रोल क्या है, तो वो काम कर रहे हैं तो उनका वॉच भी करना है कि भाई तू कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, और भाई तू सही कर रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है बेटा कंटिन्यू, और भाई तू गलत कर रहा है, क्यों रे भाई तू गलत क्यों कर रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ कंट्रोल एंड सुपरवाइज यू हैव टू कीप, इसी को हम कंट्रोल भी बोलेंगे। मतलब कि उसको कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सुपरवाइज मतलब जांच पड़ताल करना, वॉच रखना, देख ध्यान रखना, इसलिए कोई गलत ना हो जाए। कंट्रोलिंग मतलब बेटा क्या होगा, जो प्लान बने थे उस प्लान के मुताबिक आपका प्रोडक्शन हो रहा है क्या, आपका सेल्स हो रहा है क्या, आपका मतलब स्टोर मेंटेनेंस, स्टॉक मेंटेन हो रहा है क्या। तो बेटा जो प्लान आपने किए थे उसके हिसाब से मैनेजमेंट चल रहा है क्या, अगर उसके हिसाब से बिगड़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो, क्यों गलत हो रहा है, खर्चे क्यों बढ़ गए उसको कंट्रोल करो, रेवल क्यों अब्सेंट रह रहे उसको कंट्रोल करो, सेल्स क्यों डाउन हो गया उसको कंट्रोल करो, सेल्स को इंक्रीज करो। तो दोस्तों ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या हो गया बेटा ये आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर? चलो गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट रोल क्या है बेटा मैनेजर का, इंफॉर्मेशन मतलब कि जानकारी देना, किसको? तो देखो रिपोर्ट किसको देते हैं, डायरेक्टर्स को, भाई प्रोडक्शन मैनेजर रिपोर्ट बनाओ कितना प्रोडक्शन हुआ इस महीने। तो ये रिपोर्ट मैनेजर साहब किसको देंगे, हमारे मालक को देंगे। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद जो जो रिपोर्ट्स बनेगी वो मालक को सबमिट होते जाएंगी, यानी कि टॉप अथॉरिटी को सबमिट करते जाएंगे, तो लेबर रिपोर्ट बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे टू प्रोवाइड डायरेक्शंस। तो बेटा बताओ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसको, एम्प्लॉय को, और
अपने सबॉर्डिनेट्स, यानी कि एम्प्लॉय यार पकड़ लो सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देना उसका काम है, ए भाई ऐसा काम मत कर, ऐसा कर भाई, थोड़ा इतने बजे से इतने बजे काम कर, आज तू इतना काम कर ले, कल इतना फिनिश कर लेना, ऐसा सही मतलब तुमने प्रोडक्शन किया क्या, चलो इस स्टॉक को इस वाले गोडाउन में रख देना, वहां से अपने को कल इसको डिस्पैच करना है अगले वाले कस्टमर को, भाई साहब इस कस्टमर को छोड़ दो, इससे वसूली करनी है, इसलिए इनसे नहीं करते, इनसे पहले करो, मतलब अपना पैसा डूबना नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस आर द डायरेक्शंस, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, इन व्हाट सेंस टू डू, ये डायरेक्शन देता है कौन, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, इन व्हाट सेंस टू डू, इज दिस क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ही इज ऑल्सो स्पोक पर्सन, क्योंकि वो तो स्पीकर है, वो तो लीडर है, वो तो भाषण देगा, वो तो ट्रेनिंग देगा, वो तो समझाएगा किसको, अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को, मतलब कि इस काइंड ऑफ अ स्पोक पर्सन, क्योंकि हर बात में इसी को सामने आना होता है मैनेजर को, क्योंकि ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ मिडल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ही हैज टू टॉक विद द लेबर, ही हैज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, उसको लेबर से भी बात करनी है बेटा, और उसको मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करनी है बेटा, तो इसका मतलब एवरी टाइम ही बिकम व्हाट, अ स्पोक पर्सन, मतलब बोलने वाला, बताने वाला और लिखने वाला, समझाने वाला, इज दिस क्लियर। नाउ नेक्स्ट रूल क्या होता है बेटा, इसका रोल क्या है, डिसीजन रोल, डिसीजनल रोल क्या होता है, मतलब इसको डिसीजंस लेने, एज बीइंग सपोज लेट्स फाइंड, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि मालक ही चालक होता है, कहाँ पढ़ा था आपने, रिक्शे पे, ट्रक पे, एसएस पे, तो ट्रक और रिक्शे पे जो सेंटेंस लिखा है ना, उसका मतलब सिंपल है कि जो चला रहा है वही मालक है, तो बिजनेस में भी ऐसे ही बेटा, मालक ही चालक है, इसका मतलब कि जो बिजनेस को चला रहा है वही उसका ओनर अगर है, तो उसका मतलब उसके डिसीजन उसी को लेने हैं, वही मैनेजर है, तो अपने आप में मैनेजर ही एंटरप्रेन्योर होता है, और एंटरप्रेन्योर इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो मैनेजर होता है, मतलब कि अगर मुझे देखते हैं तो अगर मैं अपना वेंचर चला रहा हूँ तो मैं ही ओनर हूँ और वही मैं मैनेजर हूँ, भाई मुझे ही देखना है सब, फाइनेंस वाइनेंस सब, इसका मतलब क्या हुआ कि मालक ही चालक है, तो उसको डिसीजंस लेने, क्या लेने, डिसीजन, क्या खरीदे, किसको बेचे, किससे उधार ले, किसको कब पैसा वापस करे, किससे उधारी में खरीदे, किसको पेमेंट करे, किसको रखे, किसको निकाल दे, तो दीज आर ऑल द डिसीजंस ही हैज टू टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन, इज दिस क्लियर बेटा, तो उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके नाउ एज अ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर, किसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलर, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, अब मान ले टीम ए है जो काम कर रही है सेल्स डिपार्टमेंट, तो मान लेते टीम ए है सेल्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, टीम बी है सेल्स डिपार्टमेंट, दोनों अलग अलग जोन में काम करते हैं, लेकिन अगर एक ही कस्टमर दोनों ने हैंडल कर लिया तो हो सकता है दोनों में डिस्प्यूट हो जाए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक लेबर को हमने ज़्यादा इंसेंटिव दे दी तो दूसरा आके चिल्लाए कि मुझे क्यों नहीं, भाई मैंने भी काम किया है, उसको आपने ज़्यादा इंसेंटिव दे दिया, मुझे क्यों नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, मतभेद होते हैं किसके बीच में, दो एम्प्लॉय के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के बीच में, टॉप लेवल मिडल लेवल के बीच में, तो बेटा ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना इनको सॉल्व करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है, ये काम किसका है, मैनेजर का है, बिकॉज ही इज द मेडिएटर पर्सन एंड ही विल हैंडल द डिस्प्यूट बिटवीन द टू एम्प्लॉयज, टू लेबर्स एंड टू इंटरपर्सनल पीपल्स, यस और नो, तो दोस्तों इस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। नेक्स्ट आइटम कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करेगा, नेक्स्ट आइटम इज रिसोर्स एलोकेटर, मतलब ये बंदा होता है ना रिसोर्स को बांटता है, रिसोर्स मतलब क्या होता है सर, जैसे मान के चलते फाइनेंस मैनेजर है तो पैसा मीनिंग क्या हो गया बेटा यहाँ पे रिसोर्स, अब ये पैसा सेल्स को कितना जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन को कितना जाएगा, और उसके बाद क्वालिटी वालों को कितना जाएगा, लॉजिस्टिक वालों को कितना जाएगा, यानी कि रिसोर्स एलोकेटर हो गया, यानी कि काम को बांटेगा, पैसे को बांटेगा और मैन पावर को काम वर्क बांटेगा, तो रिसोर्स एलोकेटर, इसलिए तो मैनेजर का एक और रोल होता है कि मशीन कितने लेबर्स को ये वाली मशीन हैंडल करनी है, कितने लेबर्स को ये वाली मशीन हैंडल करनी है, फाइनेंस मैनेजर इस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, उस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, यहाँ खर्चा कंट्रोल करना है, वहाँ बढ़ाना है, मतलब रिसोर्स एलोकेशन, इसलिए तो इनडायरेक्टली वी कैन सी दैट द मैनेजमेंट फंक्शंस आर लाइक दिस, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल। ओके तो हाफ सेकेंड दे रहा हूँ, हाफ मिनट दे रहा हूँ, सॉरी, रीड करो, मौन व्रत धारण करो, नर्सरी नहीं पढ़ना है अपने को, लर्न करो बेटा, चलो
तो होपफुली आपको ये लेक्चर अभी आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो मैं राजेश सर अभी आपसे अलविदा कर रहा हूँ इस लेक्चर के लिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके साथ, मिलता हूँ कल आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, राइट सर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड हो रहा है, कल के दिन। इससे दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल में, इस वीडियो के लिए, मतलब फ्री लेक्चर्स के लिए, फ्री लाइव क्रैश कोर्स के लिए। ये नागपुर में पहली बार बीबीए के स्टूडेंट के लिए राजेश सरेन की मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और दोस्तों डेफिनेटली बिलीव मी कि आपका बेनिफिट होगा। और आप लोग पेड लेक्चर्स कहीं अटेंड मत करिए, आपके 8-10 हज़ार हम लोग सेव करने वाले हैं और आपके पैसे बचने वाले हैं। मैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी है, मतलब लिस्ट लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक पर क्लिक करिए। स्टडी वॉलेट करके एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड लोड कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन मैसेज अस, ओके। सो थैंक यू फ्रॉम राजेश सर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वेलकम टुमारो अगेन, थैंक यू।